इस्लामिक व्यूवर्स कैसे हैं, जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई प्रोडक्ट के साथ। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात होगी, बेसिकली हमारे पास एक मौजूद है एयर कंडीशन स्प्लिट एयर कंडीशन, जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि विंडोज़ जैसे आया करते थे, उनके बाद कंपनीज में जो कि इनोवेशन आई, इनोवेशन आने के बाद हमें स्प्लिट एयर कंडीशन देखने को मिले। इन स्प्लिट एयर कंडीशन की बात की जाए तो उनका फ़ायदा में क्या मिलता है कि एक स्प्लिट आपको इंडोर मिल जाता है, जिसके लिए आप उसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, आपकी जगह भी कम लेता है, और आउटडोर यूनिट जो है वो स्प्लिट लग जाता है, उसके बाद वो भी जगह आपकी बच जाती है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है इकोस्टार का एसी, इसके बारे में डिटेल्स गपशप करेंगे आपके साथ। उसके साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना तारुफ कर लूं, मैं आपका होस्ट शोएब खान, विद कैमरा मैन समी अमन, माशा इलेक्ट्रॉनिक मुल्तान के पैनल से आपके साथ जुड़ चुके हैं। बात की जाए इस एसी की, जो एक एसी मेरे पास मौजूद है इकोस्टार का, इकोस्टार की बात की जाए तो इकोस्टार जो है रेंटल कंपनी है, वो भी है ग्री का जो है सब ब्रांड भी आप इसको कह सकते हैं, सेकंड ब्रांड कहना चाहें तो सेकंड ब्रांड भी कहा जा सकता है। इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो फीचर्स में कैमरा अभी आपको क्लोजअप व्यू दे देता है। जो मॉडल हमारे पास मौजूद है वो बेसिकली एम्पर मॉडल मौजूद है। अगर इसके मॉडल की बात की जाए तो 18EMO रहेगा इसका मॉडल। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं ES10 यानी कि एनर्जी सेवर 10th जनरेशन का इन्वर्टर है ये, इकोस्टार की जनरेशन उसको 10th जनरेशन इन्वर्टर कहते हैं। इसके अंदर में फीचर्स क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला तो वो वाईफाई रेडी कहते हैं कि USB कनेक्टिविटी के जरिए आप इसका वाईफाई चला सकते हैं। वो उसके लिए आइए कंपनी को आप अप्लाई करेंगे, वो आपको एक डोंगल दे देंगे, डोंगल के जरिए आप इसका इंटरनेट चला सकते हैं। इसके साथ साथ गोल्डन फिन एवेपोरेटर एंड कंडेंसर रहेगा। गोल्डन फिन एवेपोरेटर और कंडेंसर जो है वो आपका यहाँ पर ये जो अंदर आपको देखने को मिल रहा है इसे कहा जाता है कि गोल्डन फिन एवेपोरेटर जो है वो और कंडेंसर जो है आउटडोर के अंदर रहेगा। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग इनके ऊपर कर दी गई है ताकि आप जो भी जिस तरह का भी माहौल हो उसके अंदर ये ख़राब हो, इन गले ना। साथ ही साथ इसके अंदर एक और फीचर है कि 4D एयर फ्लो क्या करेगा कि आपको जो नॉर्मल पुराने एसीज मिलते थे उनके अंदर 3D एयर फ्लो होता था कि वो जस्ट यहाँ से आपको ये देते तो साइड कवर करते थे, बट अभी जब से नई टेक्नोलॉजीज आई हैं तो वो 4D भी आपका रूफ टॉप भी क्लियर कवर करेगा। सेल्फ क्लीनिंग का फीचर रहेगा, सेल्फ क्लीनिंग आपका करेगा क्या कि आपको सर्विस करवाने की ज़रूरत पेश नहीं रहती। उसको किस तरीके से होगा वो इससे किस होगा कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर जितने भी होगा वो आइस क्रिएट कर देगा, आइस बना देगा, आइस बनाने के बाद उसको मेल्ट डाउन करेगा, आपके जितने भी कच्चा वगैरह होगा वो सारा का सारा नीचे उसके साथ डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ लिब्रिकेंट डिज़ाइन PCB कार्ड इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि आप क्या कहते हैं कंपनी है चाइनीज़ कंपनी में उनसे ये देते हैं। इसके साथ साथ 65W स्टार्टअप इसके अंदर उन्होंने दिया है, जो कि क्विक कूलिंग और हीटिंग के लिए काम आता है। इसके साथ साथ प्रिसाइज AI टेम्परेचर कंट्रोल है इसके अंदर, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसके PCB कार्ड के अंदर रोल रहेगा, जो कि आपके एनवायरमेंट को देखते हुए पर्सन को देखते हुए PC के टेम्परेचर को ऑटो एडजस्ट करता रहेगा। वो जब भी आपको चाहिए होगा तो वो 0.1 डिग्री सेल्सियस उसको कम या ज़्यादा कर देगा खुद ही ऑटोमेटिक सेंसर के जरिए। एक रिमोट में सेंसर रहेगा उसका, उसके साथ साथ PCB कार्ड के अंदर भी सेंसर रहेगा। उसके साथ साथ AI की होने की वजह से मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, सेल्फ डायग्नोज कर लेगा, जो कि जब भी कोई इसमें लीकेज आ रहा होगा तो उसको ये खुद ब खुद डायग्नोज कर लिया करेगा। उसके बाद इसकी बात की जाए तो सुपीरियर रिमोट कंट्रोल डिज़ाइन दिया हुआ उन्होंने, लार्ज LCD पैनल दिया, IPX5 वाटर प्रूफ है, यानी कि पानी भी अगर उसको गिर जाता है तो वो पानी को भी कंट्रोल कर लेगा, ख़राब नहीं होगा। गैस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर गैस जो हमें मिलती है देखने को मिलती है वो गैस होगी R32, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली और लाइट एंड गैस भी है। बाकी गैसेस की नस्बत इसके लोड भी कम रहता है और बिजली भी कम लेगी, कूलिंग भी ज़्यादा बेहतर पर हमें देखी है। तो इसके साथ साथ इसके बारे में अगर कोई भी चीज़ हमारी रह गई आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए अपने हॉस्पिटल जल्द दीजिए। अल्लाह हाफिज़।